दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों जैसे इंसान को खाने की ज़रूरत होती है वैसे ही पक्षियों के लिए भी खाना ज़रूरी होता है, परंतु इंसान तो भूख लगने पर खुद खाना खा लेता है लेकिन बेचारे पक्षी और जानवर तड़पते रहते हैं। वास्तुशास्त्र की माने तो पशु पक्षियों और जानवरों को दाना डालना पुण्य का काम माना जाता है। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन से पक्षी को दाना डालना बहुत ही लाभदायी साबित होता है। यकीन मानो अगर आप इस पक्षी को दाना खिलाते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत या फूटी हुई किस्मत चमक सकती है। तो कौन से वो पशु पक्षी हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो में। प्रिय दर्शकों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं उन पशु पक्षियों के बारे में विस्तार से। दोस्तों सबसे पहली बात, बिल्ली दूर करेगी बिटलक। प्रिय दर्शकों बिल्ली को खाना खिलाने से व्यक्ति पर किसी भी तरह के जादू का असर कम होता है। इसके अलावा जीवन में राहु के अशुभ प्रभाव के कारण परेशानियां आ रही हों तो बावी दूर होती हैं। बिटलक दूर करने के लिए बिल्ली को खाना खिलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों अगला बताया गया है, वास्तुशास्त्र में चींटियां लाती हैं सौभाग्य। मान्यताओं के अनुसार यदि काली चींटियों को चावल में चीनी मिलाकर खिलाएं तो इससे व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ता है। इसके अलावा परिवार में सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों आगे वास्तुशास्त्र कहता है पक्षियों को दाना अवश्य डालें। अच्छे कैरियर और स्वास्थ्य के लिए पक्षियों को दाना डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इससे कुंडली में राहु केतु की महादशा भी सुधर जाती है। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। कुत्ता पालने से घर की निगेटिव एनर्जी दूर होती है और कभी भी घर को बुरी नज़र नहीं लगती। इसके अलावा कुत्ते को रोटी खिलाने से शनिदोष, शनि की साढ़े साथी शनिढैया भी दूर होती है। इसके अलावा कार्य में आ रही परेशानियाँ और बाधाएँ भी कुत्ते को रोटी खिलाने से दूर हो जाती हैं। और दोस्तों आइए वीडियो के अंत में जानते हैं कि गाय को हरा चारा खिलाएं। प्रिय दर्शकों मान्यताओं के अनुसार नवग्रहों को शांत करने के लिए गाय को बहुत ही अहम भूमिका बताई गई है। गाय को हिंदू धर्म में गौ माता भी कहा जाता है और इसको चारा खिलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर भक्तों को मानसिक शांति और सुखमय जीवन का प्रदान करती हैं। इसके अलावा कुंडली में बुध ग्रह को शांत करने के लिए भी गाय को हरा चारा खिलाना शुभ माना गया है। तो दोस्तों यही थे वो कुछ खास पशु पक्षी। यकीन मानो इनको अगर आप खाना खिलाते हैं या दाना डालते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं और आपका भाग्य चमक सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।